आज मैं आपको बहुत ही सिंपल एंड क्विक टिप बताऊंगा और वो है लेमन वाटर। किस तरह से आप लेमन वाटर पीकर अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं ग्लास ऑफ वाटर, ये थोड़ा सा वार्म वाटर है मेरे पास। नींबू पानी सभी ने इंडिया में पिया होगा, आज भी बहुत लोग पीते हैं। मैंने बहुत पिया था जब मैं छोटा था। उस नींबू पानी में शुगर बहुत ऐड करते थे और सॉल्ट बहुत ऐड किया जाता है, लेकिन हमने वो नींबू पानी नहीं पीना। हमने सिंपल प्लेन वाटर एंड लेमन जो पीना है और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम उसको ड्रिंक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लेमन वाटर पीना क्यों जरूरी है, क्यों आपको बॉडी डिटॉक्स करनी चाहिए। हमारी जो डेली लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, पोल्यूशन के थ्रू, फ्राइड फूड के थ्रू, अल्कोहल के थ्रू, स्मोक के थ्रू, डस्ट के थ्रू, और जो वेमेन मेकअप करते हैं उस मेकअप के थ्रू। सो इतना सारा टॉक्सिन हमारे बॉडी में इकट्ठा होता है एवरी डे, आपको मालूम है, पोल्यूशन से, हर चीज से। तो हमने उसको डिटॉक्स करना है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जब भी आप सुबह उठें, ब्रश करने के बाद सबसे पहले वन स्मॉल कप ऑफ वाटर और ग्लास ऑफ वाटर, जैसे भी, विद हाफ लाइम और हाफ लेमन। आप स्क्वीज कर सकते हैं लेमन, लेमन के स्लाइस ऊपर काट कर इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि आप बॉडी को डिटॉक्स करें, आपकी बॉडी टॉक्सिन को फ्लश करे। और यहाँ पर मेरे पास लेमन है और वार्म वाटर है। सबसे पहले अगर लेमन आपका ऑर्गेनिक है, मतलब आपके बहुत लोगों ने घर में लगाए हुए हैं लेमन, वो फ्रेश है, ऑर्गेनिक है, उसमें कोई स्प्रे नहीं है। अगर आप मार्केट से परचेस करते हैं तो आपको मालूम है कि मार्केट में जो भी इस समय इंडिया में है नॉन ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लेमन के ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे की जाती है। आपको मालूम है हर एक चीज़ के ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे होती है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। सो ऑर्गेनिक जो लेमन है उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे नहीं की जाती, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लेमन ऑर्गेनिक नहीं है। सो सबसे पहले तो आप अच्छी तरह से लेमन को साफ करें। साफ करने के बाद भी आप पेस्टिसाइड इससे नहीं जाते, आपको मालूम है, लेकिन आपको मालूम है ये टॉप जो हेड है लेमन का, जो प्लांट के साथ अटैच होता है, यहां पर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का जो स्प्रे होती है, राइट। सो सबसे पहले हम इसको चॉप करेंगे। मेरा यहां पर जो सरफेस है वो साफ है, तो मैं इसको आज यूज करूंगा चॉपिंग। तो सबसे पहले तो हमने ये जो हेड है ये रिमूव करना है। किसी भी वेजिटेबल का, किसी भी चीज का आप हेड ऑलवेज मूव करें, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड होते हैं। अब दो तरीके आपके पास, एक तो आप लेमन को स्क्वीज कर सकते हैं, 2 spoons ऑफ लेमन जूस। दूसरा आप इसको इसके स्लाइस करें। सबसे पहले हमें हाफ चाहिए पहले, तो काफी बड़ा साइज है लेमन का, और आई यूज 1/3 एक्चुअली, तो मैं यहां पर 1/3 यूज करूंगा। सो लेमन की आप स्लाइस करें, आपको मालूम है स्मॉल थिन स्लाइस, पानी के अंदर डाल दें और जस्ट फॉर फन। ऑलराइट, सो इसको डालने का ये फायदा कि अब लीव इट लाइक फॉर 2 to 3 minutes, ताकि ये इसका अच्छी तरह से इसका जो बेनिफिट्स है, जो लेमन के अंदर विटामिन सी है, जो सिट्रस है, जो सिट्रस एसिड है इसके अंदर आपकी बॉडी को चाहिए, वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। 2-3 मिनट आप रहने दें। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कुछ भी आप नहीं करना, कुछ भी इसके अंदर और ऐड नहीं करना। आपको मालूम है कि लेमन के अंदर विटामिन सी है, जो बहुत जरूरी है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपको बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, बहुत जरूरी है विटामिन सी आपकी डाइट में होना। अगर आप मिस कर रहे हैं तो लेमन इज द बेस्ट फूड फॉर यू टू गेट विटामिन सी। एक और बात, जिन लोगों को सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, कोल्ड फ्लू हुआ है या होता है, तो आप इसके अंदर हनी ऐड करें। मेरे पास यहां पर हनी है, और ये ऑर्गेनिक हनी है, नेचुरल रॉ हनी, राइट। इसके अंदर कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स और कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। ये हनी उन लोगों ने ऐड करना है जिन लोगों को मैं बता रहा हूं गले की या कफ की या सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है, उनके लिए। वैसे आप हनी ऐड ना करें, हनी नेचुरल शुगर है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ
उन लोगों को जिनको उनकी जरूरत है वही यूज करें। और ये आप एवरी डे सुबह जब उठें, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रश, एवरी डे 6 days, 7 days a वीक आप इसको ड्रिंक करें, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। तो ये सिंपल ट्रिक है और आप लोग इजी यूज कर सकते हैं। सो जस्ट गाइस गिव इट अ शॉट एंड लेट मी नो। टेक केयर।